इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नमस्कार साथियों, सही कहा मौजूदा केंद्र सरकार ने कि जो काम देश की पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे। मौजूदा केंद्र सरकार ने देश को 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी देकर दिखाई। मौजूदा केंद्र सरकार ने 22 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को कम करके दिखाया। हाल ही में मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से BAA3 पर लाके खड़ा कर दिया और इसके तीन कारण दिए उन्होंने, और ये कारणों को समझना जरूरी है। पहला कारण उन्होंने बताया कि भारत में रिफॉर्म्स का अभाव है, पर्याप्त रिफॉर्म्स नहीं है। नंबर दो कारण उन्होंने माना कि पॉलिसी इफेक्टिवनेस की कमी है भारतीय सरकार में, और नंबर तीन उन्होंने माना कि मौजूदा सरकार ने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को स्ट्रेस में डाल दिया है, मतलब बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तनाव में है, NPS का तनाव है उनके ऊपर, और ये रेटिंग को डाउनग्रेड करने से पहले मूडीज ने इंतजार किया। पहले उन्होंने 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसका अध्ययन किया और उसको उन्होंने जुमला और नाकाफी माना भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए। उसके बाद उन्होंने 2019-20 के भारत की GDP की घोषणा का इंतजार किया जो कि 4 दिन पहले आई, और उसमें 11 साल की लोवेस्ट GDP सरकार ने घोषित करी, उसका अध्ययन किया। और नंबर तीन, उन्होंने सारे उन उपायों के लिए वेट किया जिससे उनको लगता हो कि जो कोरोना के आपदा के पहले जो मंदी थी उसको निपटाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, और उन्होंने माना कि ये सारे कदम नाकाफी है, इसलिए उन्होंने भारत की सॉवरेन रेटिंग को कचरा रेटिंग के जस्ट एक पदान ऊपर रखा है, BAA2 से BAA3 पर लाके खड़ा कर दिया। इसी के साथ उन्होंने आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी, मतलब वो इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में कैसा देखते हैं उसको भी नेगेटिव माना, अर्थात मूडीज ने ये माना है कि अर्थव्यवस्था को वो आने वाले समय में नकारात्मकता से देखते हैं और मंदी बनी हुई रहेगी।